हेलो दोस्तों, आज मैं आपके साथ एक और नई रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। चूरमा। चूरमे का नाम सुनते ही आपके भी मुंह में पानी आ गया होगा, मुझे पता है ज़रूर। मैं आज आपको बिल्कुल आसान तरीके से और बिल्कुल टेस्टी, कहते हैं जिसको वो, चूरमा बनाना आपको मैं सिखाऊंगी। ये बिल्कुल आसान रेसिपी है। जब भी आपका मन करे कुछ मीठा खाना है और आपके कुछ समझ में नहीं आए कि बाहर से क्या लाए क्या नहीं, तो आप घर में थोड़ा सा भी आटा रखा हो या और दिन की भी रोटी रखी हो, उससे भी बन सकता है ये बिल्कुल आसान तरीके से। आज मैं आपको बताती हूँ कि चूरमा कैसे बनाया जाता है। सबसे पहले आपको रोटियाँ बनानी होंगी और रोटियाँ बिल्कुल सॉफ्ट और मोटी बनानी होंगी। जैसे मैंने ये बनाई है, अब मैं देखो मैंने इसको घी लगा दिया इसके ऊपर से। देखो ये एक रोटी, चूरमे की रोटी जो है हमेशा मोटी और सॉफ्ट बनती है। मैंने काफ़ी मोटी रोटी बनाई है और इसको आप क्या करें, ऐसे घी लगाते हैं। कई बार क्या होता है कि जैसे कोई चूरमे का बोल देता है, अब हम रोटी बनाए या चूरमा बनाए, हमारे ये समझ में नहीं आता, क्योंकि साथ के साथ दोनों काम तो कैसे हो सकते कि हम रोटी भी बना लें और चूरमा बना लें। तो हमें क्या करें, जिससे रोटियाँ हमारी सूखे नहीं, हम रोटी बनाते जाएँ और उसके ऊपर ऐसे काफ़ी घी लगा दें, ऐसे एक के ऊपर एक, जितनी भी रोटियों का आपको चूरमा बनाना हो ऐसे रोटी बना बना के, और उसको ऐसे काफ़ी घी लगाते जाए उसके ऊपर, जितनी भी आपको रोटी बनानी है ऐसे करके ऐसे घी लगा दे। और उसके बाद फिर मैं आपको बताती हूँ कि कैसे बनाना है आगे। तो देखो दोस्तों, मैंने अब जितनी रोटियों में मेरे मुझे जो है चूरमा बनाना था, मैंने उतनी रोटियाँ बना ली हैं। और ये देखो मैंने सारी ऐसे घी लगा लगा के रख दी है। अब मैं आपको दिखाती हूँ, देखो हमारी रोटियाँ बिल्कुल गर्म है। देखो अब हम इन रोटियों को अलग ऐसे कर दे। अब ये देखो, अगर हम वैसे ऐसे चौपड़ के नहीं, मतलब कि घी लगा के नहीं रखते, तो ये बिल्कुल ठंडी हो जाती है और सूख जाती है, जिससे कि हमारा चूरमा अच्छा नहीं बनता। लेकिन घी लगाने के बाद देखो ये बिल्कुल सॉफ्ट और बिल्कुल गर्म रोटी है। तो इनको ऐसे धीरे धीरे करके अलग कर ले, ताकि थोड़ी सी ठंडी हो जाए, ताकि हम अपना चूरमा जो है बनाना शुरू कर सके। ये देखो, अब देखो मैंने ये सारी रोटियाँ ऐसे रख ली हैं, इसे हल्की सी इनकी हवा निकल गई है, ताकि हम बनाना शुरू करें तो हमारे हाथ ज़्यादा जले नहीं। अब हमें चाहे तो हम इनको ऐसे के ऐसे भी इनको बचूर सकते हैं, लेकिन ऐसे हाथ जलने का डर होता, तो हमें क्या करना है, हम ले लेते हैं शुगर। आप चाहे तो मीठा ले सकते हो। मैंने ये खांड ली है जो मोटी पिसी हुई होती है, वो ये अच्छी रहती है। लेकिन अगर ये किसी के घर पे नहीं है तो आप मीठा ले सकते हो, या फिर चीनी को मिक्सी में पीस के वो भी ले सकते हो, या फिर गुड़ भी ले सकते हो आप। जिनके शुगर है वो ज़्यादातर गुड़ का ही खाना पसंद करते हैं, उनके लिए गुड़ को बारीक कूट के और वो भी डाल सकते हो आप, वो भी बहुत टेस्टी बनता है। मैंने ये एक कटोरी ये खांड ली है। अब आप क्या करें, ऐसे एक रोटी को पकड़ के और जहाँ से आपको ऐसे गर्म लग रहा है वहाँ से ऐसे कर ले आप, ताकि आपके हाथ ना जले। देखो एक रोटी को ऐसे इसमें मीठे में ऐसे इसको ऐसे प्रेस करें, ऐसे दबाते रहें आप, ऐसे मीठा डालते रहे ताकि आपके हाथ ना जले। अगर मीठा नहीं डाल रहा तो आप क्या कर सकते हो, एक गिलास पानी लेके बार बार आप उसमें भी हाथ अपने डुबो सकते हो, ताकि आपके हाथ ना जले। ऐसे इसको करते रहे। ये देखो हमें रोटी को बिल्कुल बारीक टुकड़ों में तोड़ना है। ये देखो इसको ऐसे करने के बाद फिर हम अपनी अगली रोटी उठाएंगे ऐसे, और उसको भी उसके ऊपर क्या करेंगे, जो हमने ये रोटी तोड़ रखी इसी को हम उसके ऊपर डालेंगे, ताकि ये, क्योंकि ये जब हम बना तोड़ते हैं तो ये हल्की हल्की ठंडी हो जाती है, तो इसे हमारे जो है वो हाथ नहीं जलेंगे। इस रोटी से भी हमें ऐसे ऐसे इसको धीरे धीरे प्रेस करके रोटी को छोटे छोटे टुकड़ों में ऐसे तोड़ना है, ऐसे धीरे धीरे, जैसे जैसे हमारी रोटी टूटती जाए अगली रोटी के ऊपर हम यही टूटी हुई रोटी डाल डाल के और इसको ऐसे तोड़ते जाए, जब तक हमारी सारी रोटियां टूट ना जाए। ये देखिए दोस्तों, मैंने सारी रोटियों को बिल्कुल बारीक बारीक ऐसे कर लिया। ये जितना ज़्यादा बारीक होगा उतना ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। अगर इसमें आपको जैसे चिकनाई कम लगे तो आप इसमें बीच बीच में इसमें घी भी डालते रहो, ताकि ये देखो अगर इसमें आपको जैसे भाई चिकनाई कम लगे तो इसमें और घी डाल लेना आप, क्योंकि इसमें जितना ज़्यादा घी होगा ये उतना ही टेस्टी लगता है। और हमें जो है फिर ये ऐसे रोटी को ऐसे बारीक करने में भी आसानी हो जाती है। अगर ये रोटियाँ सूखी रहेंगी तो ये हमसे ऐसे हो नहीं पाएगी बारीक, तो इसलिए आप इसमें घी ज़रूर डाल लेना। अब देखो अभी भी ये सूखा सूखा है,
अब हम सबसे पहले तो हमने जो ये मीठा लिया था अपना, ये ऐड करेंगे इसमें। मीठा जो अपने हिसाब से लेना, जितना आप मीठा खाते हो, आप बीच में ऐसे जैसे डाल के उसको थोड़ा सा टेस्ट भी कर सकते हो। अगर आपको मीठा कम लगे तो इसमें आप और ऐड कर ले, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें इसमें। अब देखो मैंने ये मीठा डाला तो इससे देखो बिल्कुल ये सूखा सूखा हो गया है। पहले हम अच्छे से हम अपने मीठे को इसमें ऐड करेंगे और फिर इसमें मिक्स करेंगे और फिर हम इसमें डालेंगे घी। अब देखो क्योंकि चूरमे में हमेशा घी और मीठे का ही ज़्यादा टेस्ट होता है तो इसमें घी की कमी नहीं रहनी चाहिए ये चूरमे में। ये देखो मैंने इसमें 6-7 चम्मच घी डाला है और इसको फिर घी को अच्छे से ऐसे मिक्स कर दें। आप चाहो तो इसमें ड्राई फ्रूट्स और इलायची भी डाल सकते हो, लेकिन मैं आपको जो भी वीडियो बताती हूँ उसमें मतलब कि यही बताती हूँ कि हमारे घर पे जो भी चीज़ हो हम उसी में अच्छा और टेस्टी खाना बनाएं। ये नहीं है कि भाई हमारे पास ये चीज़ नहीं है वो नहीं है तो अब हमारे भी खाना कैसे टेस्टी बनेगा। जो भी हमारे घर में अवेलेबल है उसी से हमें अच्छा और टेस्टी बनाना सीखना है। तो अगर आप चाहो तो आप मक्खन में भी बना सकते हो, किसी के घर में गाय भैंस हो तो आप उसको इसमें मक्खन में भी बना सकते हो, उसमें भी ये टेस्टी लगता है। और चाहो तो आप ड्राई फ्रूट्स भी डाल सकते हो। ये देखिए अब हमारा चूरमा जो है अच्छे से देखो बिल्कुल सॉफ्ट भी हो गया है, देखो बिल्कुल। और इसको फिर ऐसे करके और इसके ऐसे छोटे छोटे लड्डू बना ले आप, देखो ऐसे करके दोनों हाथों से। ये देखिए ये हमारा चूरमा बिल्कुल रेडी है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना, ये 5 मिनट में तैयार हो जाती है। बस रोटियां बनाने में ही थोड़ा सा 5 मिनट का टाइम लगता है और 5 मिनट में ये रेडी हो जाते हैं, कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगता और बहुत ही टेस्टी होता है। अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगी हो तो आप शेयर करना, लाइक करना और सब्सक्राइब करना। थैंक यू।